सरकारी विकास के दावों की पोल आदिवासी इलाकों में जाते ही खुल जाती है। आजादी के बरसों बीत जाने के बाद भी बैगा जनजाति वाले इलाकों में लोग बदहाल कीचड़ भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन से पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। डिंडौरी जिले के बजाग जनपद पंचायत के ग्राम चीखला टोला गांव में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन आजादी के सालों बीतने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा और पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं के लिए बैगा जनजाति के लोग तरस रहे हैं। मुख्य मार्ग से चीखला टोला गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पक्की सड़क न होने से इस गांव में किसी भी बीमार व्यक्ति या फिर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाए जाने तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे बीमार व्यक्तियों को खाट के सहारे मुख्य मार्ग तक लाया जाता है, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस की सहायता मिल पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि 4 महीने बदहाल रास्ते पर चलना उनकी मजबूरी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गांव तक पक्की सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। नागरिकों को आने जाने से बहुत से बहुत अत्यंत दुख और परेशानी है यहां पर। यह रोड जो है आज लगभग 35 वर्ष से निर्माण है इस रोड का, पर यहां पर अभी तक के कोई कर्मचारियों का निगाह नहीं है, कोई अधिकारियों का निगाह नहीं है। इस रोड के बारे में किसी का गौर नहीं है, कोई गौर नहीं कर रहे हैं। मांग पत्र बहुत बहुत लगा चुके हैं यहाँ पर के लिए हम, लेकिन कोई विधायक, कोई अधिकारी, कोई जिला सदस्य, अध्यक्ष, किसी ने कोई गौर नहीं की, कोई ध्यान ही नहीं दिए। हमारी स्थिति ऐसे चलता है, शासन में कोई ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आप रात में भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, लड़का छोना बाल गोपाल कभी वजन भी लेकर चलते हैं तो रात में भी चले जाते हैं। खैर, हमारे ध्यान कोई सरकार नहीं लगा रही अभी तक। हम कई वर्षों से हम दे रहे हैं आपको सूचना, सचिव सरपंच को भी दे रहे हैं, अगर कोई ध्यान नहीं करता है यहाँ पर। हमारा समस्या ये है, बहुत ज़्यादा रोड का क्षतिग्रस्त है सर, कीचड़ में बहुत ज़्यादा। लड़का रोज जाते हैं, बैग लेट गिर जाते हैं, बैग वास्ता छाता रख के गिर जाते हैं, फिर जाके धुलते हैं, नहीं तो आधा रास्ता से घर चले जाते हैं गिरने के बाद कीचड़ कीचड़ होके। तब भी अभी चुनाव के टाइम में विधायक लोग आएंगे, बाद में चुनाव जीतने के बाद कोई आएंगे कि नहीं, इतना ज़्यादा बिल्कुल क्षतिग्रस्त है रोड। चिकला टोला से आते हैं और 5 किलोमीटर तरच में स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमें बहुत परेशानी है वहाँ पर, और कीचड़ भी हो जाते हैं, जाते जाते कहीं गिर जाते हैं, कहीं बैग भी हो जाते हैं गंदा, जाके धुलते हैं और फिर वहाँ जाते, फिर वहाँ पूरा भी पोल से ऊपर भी रहते हैं। असी से तक जब रोड में रिंग थन बैगर लोग आन, सब पूरे कपड़े चढ़ाई चढ़ाई के रात रात पर रात बाजार जा थन आ थन, हम लसी से रोड चाहिए अपने के नानी हम मर रहे हैं और बाल बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़े लिखेला, और चीखल में कहें आवा झड़ी सी पट में पुलिया तो फूट गए दोनों थाना, तो कहाँ ले आवा, उन्होंने पक्की पक्की पुलिया दे सरकार डामिल रोड तत्व आई, तो बड़े बस्ती है यहाँ, तरस भुरसी तक बड़े बस्ती है, जाके देखो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।